सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज, आर जी हियर। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब द बादो गाइज। एल्विस का इंटरव्यू विद शहनाज गिल, हम वेट कर रहे थे यार इस इंटरव्यू का, और बहुत से लोग मेरे को बोल रहे थे भैया आ जाए तो रिएक्शन कर देना। तो गाइज कर दिया रिएक्शन, कर दिया नहीं मतलब करने लगे हैं। देखते हैं क्या लेके आया भाई इंटरव्यू के अंदर। बंदा और बंदी दोनों कमाल है यार। मतलब शहनाज गिल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट्स ऑफ बिग बॉस अनडाउटेडली, सिद्धार्थ के बाद। मतलब सिद्धार्थ शुक्ला इज़ ऑलवेज ऑन टॉप। एंड अगर हम बात करें उसके बाद एल्विश की, तो एल्विश इज़ माई अनदर फेवरेट कंटेस्टेंट फ्रॉम बिग बॉस, तो लेट्स चेक इट आउट। और वैसे भी फेवरेट बंदा है, तो रिएक्शन तो बनता है यार, रिएक्शन बनता है। तुम लोगों ने भी बोला तो कर देते हैं रिएक्शन। लेट्स सी क्या करा आज इन दोनों ने। मस्ती करी होगी, पूरी मस्ती करी होगी, पक्की बात। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं देसी वाइब्स विद शहनाज गिल में। और मुझे स्टार्टिंग में भाई एक मेकअप दादा चाहिए था जो कि थोड़ा मेकअप मुकअप कर दे हमारा, बट मेकअप दादी आ चुकी है हमारे साथ। बस इतना महंगा मेकअप दादा हमें भी दिला दो। ज्यादा पैसे ले रही है अभी, उसका जुगाड़ कर रहे हैं। राव साहब के वाला हमारे घर बोली करिए रुपया भी आ रही है अभी। 10-10 पेटी में मेकअप हो रहा हमारा। बहुत अच्छा लग रहा है, वाओ व्हाट अ सॉफ्ट स्किन। ब्यूटी का राज क्या है? मैं नहाता हूँ। नहाते तो हम भी हैं। मैं थोड़े अलग तरीके से नहाता हूँ। आपको पता है आपको सीधा इधर मेरी तरफ देखना। अच्छा सॉरी। तो गाइस फाइनली मेकअप हो चुका है भाई। 10 पेटी वाला मेकअप तो नहीं है। असिस्टेंट अब आप कर दो थोड़ा, मुझे आगे के स्टेप्स नहीं पता है ना। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे से ज्यादा हैंडसम लगे। ये मैं भी चाहता हूँ। चलो आ जाओ। आओ जी। तो गाइस मेकअप हो गया है राव साहब का, अब राव साहब बैठ जाइए। थैंक यू भाई। सही है, मैं एक बार इनको साइलेंट कर लूँ बस। किन्ने फोन ने कर दो, तो मेरे पास भी है। एक मेरे लिए भी नहीं आना था। हमारे पास एक है वो भी टूटा है। मेरे पे एक और है, मैं वो आपको दूंगा। ओह माय गॉड। नहीं, इतना बोल दिया ना वही बहुत है। ठीक, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं यार शहनाज की इंटरव्यू का बेस्ट पार्ट है, बिल्कुल रॉ होती है। तो ठीक हूँ। बस ठीक हो आप? हाँ जी, मैं भी बस ठीक हूँ। अरे अरे ये क्या है? ठीक हो ना आप? ये अगर ये प्रैंक है ना, देखो ये प्रैंक है, तो मत करो ये प्यार। मेरे को ना नेक्स्ट लेवल चल रहा है। सही में कुछ हो गया क्या? नहीं देखते ओ भाई यार। आपके साथ ये तो पता था, मुझे प्रैंक है। लास्ट में जब वो आए थे ना तब मुझे लगा था एक बार कि अच्छा किया मैंने। हाँ ओके, ठीक था। ठीक था बोलो। आप पूछो। राव साहब जी बताओ ना कुछ अपने बारे में, बताओ आप मुझे। आपको आज सुनना है, मुझे कुछ नहीं बोलना, सिर्फ सुनना है। हाँ, सुनना आप है। जो सिस्टम हैंग करते हो, मेरा सिस्टम हैंग करके जाओ आज। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आपका सिस्टम हैंग थोड़ी करेंगे हम। क्यों? हम तो दूसरे लोगों का हैंग करते हैं ना, जो एंटी होते हैं। मैं एंटी नहीं हूँ। नहीं पर मुझे एक बात बताओ कि जैसे सिस्टम है जो वर्ड, वैसे ये नॉर्मल लाइफ में पंजाब में भी चलता है, आपके वाला कौन सा सिस्टम है? यही सिस्टम है पंजाब वाला ही है। मेरा जो भाई है वो पंजाब में ज्यादा रहते हैं, तो वो ही करते थे सिस्टम है, सिस्टम सिस्टम करते थे। हम भी फिर सिस्टम सिस्टम करने लग गए, अब सब सिस्टम सिस्टम करते हैं। हां सही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका सिस्टम। अगर सिस्टम पूछो क्या है तो उसका जवाब होता है पंजाब में या हरियाणा में, बस है। से क्यों? थैंक्स। ले जाओ भाई।
मैंने कहा था ना मुझे आपसे टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए बिग बॉस वालों की तरह। हाँ, जितने लल्ली शल्ली सब ए टू जेड सबको आपने टीआरपी दिए, इधर भी देखे जाओ जितने लल्ली क्या करते हो ऐसा, इतने लोग पसंद करते हैं आपको। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि मैं उनमें से एक हूँ, तो इसलिए वो मेरे से रिलेट करते हैं और मुझे पसंद करते हैं। Exactly. Okay. अगर हम मैं बोलूं आपको कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, किस नाम से लोग जाना जाने आपको, इन्फ्लुएंसर, व्लॉगर या फिर एज एन एक्टर? यार ये तो अलग अलग क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ लोग मुझे जाने एज एन इन्फ्लुएंसर। ओके, उसका रीजन? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सोच रहा हूँ जो इसका जवाब होना चाहिए, इन्फ्लुएंसर मतलब सब कुछ कर सकता है, एक ओपन अथॉरिटी हो जाएगी। अगर एक्टर हो गया तो वो इन्फ्लुएंसर हो जरूरी नहीं है, तो जहाँ तक ग्राउंड ओपन करने की बात है तो इन्फ्लुएंसर इज अ बेटर वर्ड। बहुत सारे लोग हैं कंटेंट बनाते हैं, क्रिएटर्स हैं, वो कंटेंट बनाते हैं क्रिएटर्स हैं, पर उनमें से ना कुछ परसेंटेज लोग ही हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, राइट, जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लोग फॉलो करते हैं कि हाँ भाई ऐसा सही कर रहा है बंदा, हम भी उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो वो काफी बड़ी पोस्ट लगती है मेरे को कि इन्फ्लुएंस कोई कर पा रहा है ना किसी को, तो मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ। एक्टर का ये कि भाई एक्टिंग करी, एक्टिंग एक्टिंग ही करता है ये तो, है ना, कि भाई एक्टिंग करी हम चला गया अपने घर पे, उससे क्या लेना देना, वो कभी और उसकी मूवी आएगी एक्टिंग करेगा तब देखेंगे। और तीसरा क्या बोला था आपने? व्लॉगर। व्लॉगर तो मैं सदा थोड़ी रहूंगा, व्लॉगर में सदा नहीं रहोगे। ओके, इट इज नॉट अ परमानेंट जॉब फॉर हिम। YouTube पे इतने ज्यादा जो पैसे आते हैं उससे गाड़ियां भी ले ली होगी आपने, है ना, तो वो कैसे आप व्लॉगिंग कैसे छोड़ सकते हो जिससे इतना पैसा आ रहा है? हमने तो आपको देख के हमने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी, और क्या, मैंने दो व्लॉग्स बना लिए अपने। अरे वाह, बहुत ज्यादा बना लिए, ये थे 2000 बन गए। इट्स अ हार्ड जॉब पता है, मैं 2 साल हो जाएंगे मुझे नवंबर में, रोज व्लॉग आ रहा है मेरा, रोज 12 बजे करेक्ट, रोज रोज चेक करना। नहीं, इसीलिए लोग जो है इतने एक्टिव है, बट इतना मतलब सारा दिन अपनी पर्सनल लाइफ कैसे दिखा सकता है इंसान? मेरे को किसी ने बोली थी कि अगर तुम्हें कुछ मिल रहा है तो उसके लिए तुम कुछ सैक्रिफाइस भी कर रहे हो, तो अगर मान लो मुझे कुछ मिल रहा है तो उसके लिए मेरा जो पर्सनल स्पेस है वो सैक्रिफाइस है। ओके, नाइस आंसर, एंड प्रैक्टिकल भी लग रहा है सुनने में, क्योंकि यार ऑब्वियसली अगर आप डेली व्लॉग्स डालते हो तो कुछ ना कुछ पर्सनल जा रहा है, तो जा ही रहा है फिर। मैंने 2 बनाए, मेरी बैंड बज गई। देसी म्यूजिक फैक्ट्री के साथ आपने काम किया, गाना किया, आपका क्या एक्सपीरियंस था उनके साथ? अरे सही में बहुत अच्छा था, मतलब एक तो रोमांटिक सॉन्ग करा दी इनने मेरे से, हाँ, आज तक मैंने करा नहीं ऑन कैमरा। इनको बुलाओ ना बाहर से, बोल रहे हैं इधर, आजा भाई तू आजा अंदर आजा। आओ भाई बैठो ना, इधर पीछे बैठ जा, कबाब में हड्डी, इधर आजा। कटारी आ गया? अच्छा, चलो देसी म्यूजिक फैक्ट्री वालों, इससे मैं बात पूछ रहा हूँ, आप कंटिन्यू करना, मजा आया रोमांस करके? अरे मतलब मजा नहीं आया, ऐसा कोई गलत चीज थोड़ी करी है, जिंदगी में पहली बार इन्होंने ऐसा करा है। और पहली बार से ही तो शुरू होता है ना, पहली बार की, बट मेरा स्केल वही है, मतलब जैसे ऐसे होता ना कि आप कितना आगे बढ़ सकते हो इन चीजों में, तो मैं वहीं तक ही रुक सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं जा सकता। कितना बढ़ सकते हो आप? मैं इतना जितना उसमें हाथ पकड़ना, कमर पकड़नी और यहाँ तक आ रही थी, जो उससे आगे नहीं। तो ये सब मतलब अच्छा लगा पहली बार आपको ये सब, तो मुझे लगता है धीरे 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 और आपसे करवाएंगे ये लोग, पर मैं उतना ही करूँगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं ऑन कैमरा। तो मतलब हाँ, आप एक्टर नहीं बन सकते इसका मतलब, क्योंकि एक्टर को तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जैसे मैं नहीं बन सकता। हाँ, जैसे पर्सनल लाइफ आप दिखा रहे हो ना, एक्टर को एक्टिंग करके जो उसको प्रोफेशनली मिलता है उसको करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, जो स्क्रिप्ट मांग रही है। तो अगर म्यूजिक फैक्ट्री वालों को कुछ चाहिए होगा कि ये स्क्रिप्ट मांग रही है जो नहीं मांगती, इन्होंने जबरदस्ती करवा लिया आपसे, मेरी बात सुनो, मैं वीडियो दिखाई देता हूँ, 15 सेकंड की वीडियो है, मैं वीडियो दिखाई देता हूँ। अरे मंदी का हो यार, कौन सी वाली दिखाओ? तो ये मंदी का, ये वीडियो दिखा के ना चले जाना बाहर, ठीक है, और पर्दे बंद कर देना, दिखा ना जल्दी दिखा। अरे मंदी देखो भाई, भाई वो तो खुल, वो प्रोफेशनल है मेरे से ज्यादा यार, और ये मैंने जिंदगी में नहीं करा। बार खराब कर दे।
अच्छा ड्यूरिंग शूट कुछ हुआ होगा उर्वशी के साथ, तो भाई या तो अब ये वीडियो हमें भी शेयर करो यार, ये तो गलत बात है। नमस्ते, बंद कर लेना। थैंक यू राघव, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। पीछे से कुछ भी बोलना होगा बोलते जाना, ठीक है? आप हमारे साथ ही हो, दिख रही हूँ। ओके, तो आपकी अभी मैंने रोमांटिक रील भी देखी। रोमांटिक रील देख के मेरा माइक उतर गया, सच बहुत ही रोमांटिक था। नहीं मेरे लिए काफी नया था, देखो मजाक मत उड़ाओ। हाँ तो वही ना, आपको देख के तो मजा आया क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो, मजा आया। आप इतना शाये क्यों फील करते हो? बिग बॉस में तो आपने आते ही धमाल मचा दी थी। वो लड़के थे ना। क्यों लड़कियां में? लड़कियां थी बट ठीक है, टाइम लगता। मेरे साथ टाइम मत लो, मेरे साथ आप खुल सकते हो क्योंकि मैं भी खुली हुई हूँ। मतलब वैसे ये सही है यार, that was funny. हमारे पीछे ये आना चाहिए, आप वन लाइनर मार लो। अच्छा गुड़गांव की जो कहते, गुड़गांव बहुत आगे बढ़ रहा है, आपकी वजह से बढ़ रहा है या आबादी की वजह से? गुड़गांव बढ़ रहा है, मेरी वजह से तो नहीं बढ़ रहा। देखो मैं तो बहुत छोटा पार्ट हूँ उसका, पर वो डेवलप होते जा रहा है ना, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे, बहुत अच्छी। महंगा होता जा रहा, महंगा। लो प्लॉट उधर आप तो ले सकते हो। मुझे नहीं लगता मेरा उधर कोई काम है। आपको कोई काम नहीं उधर? हम नहीं उधर, मैंने तो पंजाब में भी नहीं लिया। मुझे सारे कह रहे हैं पंजाब में प्रॉपर्टी ले लो, कमर्शियल। मैं लूंगा पंजाब में, पर वो आपका तो काम है। मेरा क्या प्रॉपर्टी का काम थोड़ी है हमारा। नहीं कोई और तो काम है ना, कोई किसी ना किसी का कनेक्शन होता है बिल्कुल, जिसके लिए हम वहाँ पंजाब वाली के लिए तक पहुँचते हैं। बट मेरा कनेक्शन जो है मुंबई के साथ है, इसने इससे जगह ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती। मैं जो लूंगी इधर लूंगी पहले। बहुत बढ़िया, हम तो कहीं भी ले सके। मैंने तो आधार कार्ड भी चेंज कर लिया ना। नहीं मैं चलूं बहुत दूर। देखो कहते ना जहाँ दिल लगता है ना वहाँ। न्यूज चैनल वालों के लिए बहुत मस्त न्यूज है, न्यूज बॉय के लिए। तो भाई कैसे हो सभी? शहनाज गिल ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उसने अपने आधार कार्ड पे अपना एड्रेस भी मुंबई का कर लिया। सॉरी न्यूज बॉय एंड नियॉन मैन, कहना चाहेंगे तो मेरे लिए मुंबई सब कुछ है। नाइस, जैसे आपके लिए पंजाब सब कुछ। नहीं मेरे लिए पंजाब सब कुछ नहीं है, मेरे लिए हरियाणा पंजाब सब कुछ। हरियाणा पंजाब क्या कुछ पूछने वाले हो? कुछ नहीं इससे रिलेटेड, बट मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था वो आपका मम्मी के साथ कनेक्शन, आपका बहुत अच्छा है, बहुत मतलब है। आप जब रोए थे ना, मुझे याद नहीं लाओ यार। नहीं आई मीन मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट रील मैंने आपका सीजन नहीं फॉलो किया, बट आपको फॉलो किया रील्स पे। अच्छा। काफी ज्यादा, तो आप रोए थे तो मुझे लाइक कनेक्शन हुआ था आपके साथ बहुत ज्यादा। मम्मी के बारे में बताओ कुछ। मम्मी के बारे में, मम्मी तो अच्छी होती है, सबकी अच्छी होती है। मेरी मम्मी थोड़ी, मेरी मम्मी ऐसी है। अरे ये काटने वाला पॉइंट है कि एडिट करके एडिटर्स के लिए मौज हो जाएगी, एडिट पेजेस के लिए। वो नहीं होता, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया तो मेरी गलतियों पे पर्दा डाल देती है। तो क्या कैसे बताऊँ मैं आपको, समझा नहीं पा रहा। मैं सारी बात कर सकता हूँ, मतलब जो है ना मेरे मन में कि ये है लड़कियों का भी कुछ भी जिस मर्जी का, मम्मी कूल एकदम कि हाँ ठीक। ऐसे ही होता है यार, और कई होते हैं पेरेंट्स जिनसे कोई बात ही नहीं कर सकते लोग, और बच्चे आप अपने आप में घुटते चले जाते हैं सीरियसली। ये ऐसी है ये। और वो इफेक्ट ना उनकी लाइफ में आगे चल के आता है, क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट के साथ खुल के बात नहीं कर सकते तो आगे चल के आप बाहर किसी के साथ भी बात नहीं कर पाओगे। अगर आप बात नहीं करोगे तो आपकी चीज़ें कभी अच्छी नहीं हो पाएंगी। तो पहले पेरेंट्स के साथ अपना वो ओपननेस लेके आनी ज़रूरी है, चाहे किसी भी एज में हो आप। अब जैसे एल्विश ने भी बोला मैं खुल के कोई भी बात कर सकता हूँ, तो वो बड़ी बात नहीं होती यार। यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ पहले, फिर बात दुनिया की बात करना। ये ऐसी है, कि खुश रहे। हाँ उनका मेन टारगेट ही रहता है कि तू तुझे ये करना है तू कर ले, पर तू खुश रहे। हाँ। तुझे ये नहीं करना तो मत कर कोई बात, तू ऐसे बात भी गलत मत करना कुछ। यहाँ पे मैं रिलेट करता हूँ अपने पेरेंट्स से, बट मतलब ऐसा कुछ मत करना जिससे नाक नीची हो हमारी, पर वैसे कुछ भी करो। ओके
और भी कुछ बोलना मम्मी के बारे में? नहीं, ऐसे कहते ना थोड़ा साइलेंट रहना चाहिए, कुछ ना कुछ निकलता है। आपको साइलेंट रहना अच्छा लगता है? शहनाज को बिल्कुल नहीं लगता। आप तो पहले भी फेमस थे, अभी क्या उखाड़ा नया? बिग बॉस उखाड़ा जो आपने नहीं पाड़ा। बट आपने तो बोला था दिल जीतने चाहिए, ट्रॉफी भी जीत गए। ट्रॉफी भी जीत गई, बट यार वाइल्ड कार्ड एंट्री है, ट्रॉफी जीत गई, कैसा फील होता होगा बाकियों बाकियों को? मस्त बाकियों को ना, देखो मैं बताता हूँ, ऑनेस्टली बताता हूँ, उनको समझ आ गई थी, अंदर ही समझ आ गई थी कि इस बार ना कुछ अलग होने वाला। मुझे भी समझ आ गई थी कि इस बार ही ना, मुझे पहले लगता था कि इनके रूल्स में ही है कि वाइल्ड कार्ड को जिताना ही नहीं। जब वो करवा रहे थे एंट्री मेरी, तब मैंने उनसे पूछा, कम से कम मैंने पूछा 100 बार कि भाई वोट का ही है ना, पक्का वोट का ही है ना, ऐसा तो नहीं कि वाइल्ड कार्ड को वोट मिल जाए पर वाइल्ड कार्ड नहीं जीत सकता। कह रहे नहीं भाई, वाइल्ड कार्ड जिताएंगे अगर वोट मिलेंगे तो। थोड़ा ठीक है, बट आपको हाईएस्ट वोट मिला है ना, सो ये तो पता था कि वोटिंग में तो हो ही जाएगा काम, तो मैंने किया था। नहीं करा मैं एक भी। मैं आपके ब्रदर से मिला था, मुझे पता है, वो साइड में गाड़ी में। हां जी, मेरे दादा दादी भी थे, उसने मुझे बताया, मैं अनुवेश को मिला, मैंने कहा गुड। तो वोट्स आपको मैंने सच्ची की कसम लगे, मुझे मेरे शो की कसम। अरे लास्ट वाले दिन ये जो ब्रदर है कटारिया, उसने एक बोला था कि आप कैसे वोट कर सकते हो, तो मैंने उसी टाइम ऐप डाउनलोड किया, मैंने उसी टाइम आपको जियो सिनेमा शहनाज ने भी नहीं डाल रखा था। ओ भाई, ये तो नियॉन मैन के लिए खबर है। वो शो कर सकते थे, आई थिंक अनलिमिटेड। मेरा भी तो क्वेश्चन है, क्या आपने तो शो देखा नहीं, तो फिर आपने मुझे क्यों करा? मैं बता रही हूँ ना, मैंने ये, मेरा आंसर ये था कि मैंने आपका शो फॉलो नहीं किया, मैंने आपको रील्स पे फॉलो किया। रील्स एल्गोरिदम में आता रहता ना, वन लाइनर ये वो, तो वहां से, वहां मेन चीजें तो वहां ही चलती है ना, तो वहां से फॉलो किया। और 24 घंटे शो कौन देखता है हमारे अलावा, बताओ। वो वोट कर दिया मैंने। ओए प्रूफ दूं? नो प्रूफ अभी नहीं, बस ठीक है। सच्ची मैं झूठ नहीं बोलती। हां हां, मैं विश्वास करता हूं। फिर मैंने सोचा मैंने सही बंदे को ही किया है ना, वो कुछ गलती तो नहीं कर दी। नहीं, आपके लिए ट्वीट भी किया था बाय द वे। हाँ जी, देखा ही नहीं। पहली बार किसी के लिए मैंने ट्वीट किया है जिंदगी में, बिग बॉस वाले कंटेस्टेंट्स के लिए। आपने देखा नहीं क्योंकि आप बहुत बड़े स्टार। अरे नहीं, मैं निकला बिग बॉस से, मेरा 4-5 दिन मेरे इंस्टाग्राम चला ही नहीं, मतलब डीएम्स खोल रहा था, ब्लैक स्क्रीन आ रही थी, तो उसमें फिर अब ये लोड होता है मेरा 2-2 दिन बाद, मतलब 2 दिन के मैसेज 2 दिन बाद दिखाएगा, ऐसे वाला ये दिक्कत आ रही है मेरे अभी तक। अब तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा। तो आपके पास 2 फोन है, तीसरा कब ले रहे हो? तीसरा भी है। चौथा कब ले रहे हो? चौथा लेंगे। हाँ, कि जिसमें आपको सब दिखे क्या हो रहा है। बिग बॉस वाले 25 लाख रुपए भेज देंगे। अभी तक भेजे अभी नहीं भेजे अभी नहीं भेजे बैड यार। मतलब अब न्यूज बॉय आगे क्या करेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। एलवेश ने बताया कि अभी तक बिग बॉस वाले 25 लाख रुपए दिए ही नहीं, तो भाई बिग बॉस वाले दे दो, हमें भी देने थोड़े थोड़े प्रमोशन के। तो आपका प्लान है कोई आगे कोई रियलिटी शो करने का? आ रहे हैं मेरे पास काफी ऑफर आए हैं। अबे मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले लेना मेरी बातों को। मेरे पास 3-4 के आए हैं, नाम नहीं ले सकता, मेरे पास आए हैं। नहीं करोगे? हाँ देंगे हम तो। सही है हरो। आप किससे इंस्पायर होते हो? कोई जैसे हम किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं जी। आप किससे इंस्पायर होते हो? मेरे से ना कई लोगों ने पूछी है क्वेश्चन कि आप, आपका आइडल कौन है, आप किससे इंस्पिरेशन लेते हो? जरूरी नहीं है यार आप किसी से इंस्पायर हो या आइडलाइज करो, आपका अपना भी कुछ एक हो सकता है कि हाँ मेरे को ये करना है, बात खत्म। मैंने सोची कि कोई है ही नहीं, सही में कोई नहीं है। ये नहीं कि मैं बहुत घमंडी हो गया भाई, मैं तो हवाबाज हो गया, ऐसा नहीं, सही में ही कोई नहीं है। मुझे शाहरुख खान का ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है, जैसा उनके ना इंटरव्यूज में देखता हूं। तो उनके जैसे वो जवाब देते हैं ना, वो चीज मुझे काफी अच्छी लगती है। और करण औजला के गाने अच्छे लगते हैं मुझे। अच्छा, उनके लिरिक्स अच्छे लगते हैं। मुझे शाहरुख खान वाली बात अच्छी लगी आपकी। तो ये स्विमिंग पूल में आपने कभी सुसु किया है और पीला पीला हो गया है? मतलब शाहरुख खान से बात करते करते शाहरुख खान की बात करते सुसु कहां से याद आ गया? और दैट्स हाउ शहनाज इज। हां भाई, है ना? नहीं, ये कौन करता है? सब करते हैं।
हम तो नहा ही नहीं पाए कभी स्विमिंग पूल में, हम तो जोड़ बनाते थे। जोड़ क्या, नहर? हाँ वही छोटा नहर, छोटा लेक। अच्छा तो उधर नहाते थे, उधर सुसुख है? याद नहीं अभी, पर शायद कराओ। आंखें बंद कर, याद करो। करा करा भाई। याद आ गया, वो मनवा के छोड़ेगी। आपने याद दिला दी, क्यों याद दिलाई आपने पर ये वाली बात मेरे को? क्योंकि मुझे पता है आप कर सकते हो। अच्छा आपने कभी जैसे होटल में जाते हैं, लड़की कमाल है यार, तो ये लड़की बवाल है भाई। आपने कभी जैसे नॉर्मल चीजें लोग चुराते हैं, जैसे ये आपको पता ही है तौलिया चुराना? हाँ। छोटे वाले तौलिया चुराए मैंने। हाँ। जिम के लिए अपनी। और हैंगर उंगर नहीं चुराए? हैंगर कौन चुराता है, इतने हैंगर तो घर पे है हमारे। हाँ। मैंने चुराई है एक तो लोशन। हाँ। लोशन चुराए मैंने चुराए है छोटे वाले तौलिए, एक बड़े वाला तौलिया चुराया मैंने, और क्या क्या चुराया मैंने, और एक साबुन की टिकिया चुराई। वो बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट है, वो अपनी होती है वैसे। साबुन की टिकिया? हाँ क्योंकि हमारे यूज के लिए दी होती है ना उन्होंने, तो साबुन की टिकिया। तो चाहे वहाँ यूज करें चाहे घर यूज करें, तो हमारी है, फिर क्या चोरी है, ये तो हमारा सामान है, उठा के ले जा रहे हैं बस। बट वो जो आपने कभी ऐसे सोचा है कि जो मैं करती हूँ ऐसे मुझे लगता था, बट अब समझ आया है कि जो वहाँ ओवन टाइप पड़ा होता है सभी करते हैं, लोकर बोलते हैं उसको। हाँ लोकर, मुझे पहले लगता था ये ओवन है, इस ओवन टाइप पड़ा होता है मैं चीजें गर्म होती है, बाद में धीरे धीरे समझ आया कि नहीं ये ओवन नहीं है, ये इसमें बंदा अपनी पर्सनल चीजें रख सकते। तो आप ओवन समझ, मैंने ऐसा समझा, आप पूछ रहे हो? मैं अपना बता रही हूँ। अच्छा मैं आपसे आपकी पूछी जाऊँ, मेरा कोई वजूद नहीं है क्या? मैं इतना ना समझ हो सकता। मतलब यार ये इंटरव्यू चल रहा है, मस्ती चल रही है, क्या चल रहा है ये तो पता है। तो आपको पता है, आपको वैसे सब पता है ना? नहीं। आपकी आंखों से मुझे लग रहा है आप पॉलिटिशियन बन जाओगे, जैसे हार डलवा रहे हो ना हर जगह जा जाके। कहाँ डलवा रहा हूँ मैं हार यार, काफी हार। कौन सी वीडियो देखी थी तूने? देखी थी ना स्वागत करते हैं हार डाल, नहीं तो नॉर्मल लोगों का ऐसे स्वागत नहीं होता। वो तभी तो कह रहा हूँ मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ एल्विस की पॉलिटिक्स पक्की है। क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर का डिफरेंस? तो इन्फ्लुएंसर बनोगे आप? मैं हूँ। अच्छा सॉरी व्लॉगर लगते हो। अच्छा चलो व्लॉगर हो, तो व्लॉगर हो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर। बट आजकल जो लोग है जो अच्छी चीजें भी नहीं दिखाते इतनी, जिससे इन्फ्लुएंस होते नहीं है लोग, वो भी खुद को जब इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना वो बहुत हर्टिंग लगता है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ करना चाहिए जिंदगी में अगर इन्फ्लुएंसर बनना है तो, मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सोसाइटी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो, राइट? और वो कुछ अच्छा करें। अब जैसे मेरा एनजीओ भी है उस, हाँ जी ओके, तो वो पिछले 1.5 साल से हम लोग हर सैटरडे भंडारा होता, हर सैटरडे चाहे धूप छाया कुछ भी हो वो होता है, और मतलब फ्री में होता है। मैंने आपकी वीडियोस देखी है एनजीओ वाली जिसमें आप सर्व कर रहे हो फूड, तो मैं चाहता हूँ कि वो जैसे मैं कर रहा हूँ मेरे नाम ना लेंगे बल्कि आपस में हेल्प करें तो अच्छा हो जाए। हम भी आपकी हेल्प कर देंगे, बता देना कभी जरूरत होगी, ठीक है? तो ये कतर का पासपोर्ट का क्या है, सिटीजनशिप मिल गई आपको? अरे नहीं ये कहाँ देखा आपने? मैंने बोला आपको देखते हैं हम, मैं सारा दिन वेलियां चीजें ही देखती हूँ मैं, कोई वेलियां चीजा। यार ये लड़की कितनी रो है भाई, शी इज कंप्लीटली रो, इसको यही नहीं पता क्या बोल रही है, इसीलिए शायद लोग रिलेट कर पाते शहनाज से। यार शी इज सो ऑनेस्ट, मतलब लिटरली ये कौन पूछता है, सुपर यार। आई एम लर्निंग फ्रॉम शहनाज यार, इन फ्यूचर अगर मैं भी कभी पॉडकास्ट करूँगा दिस इज द बेस्ट वे, बी योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, जो मन में आ रहा पूछो दबा के भाई, सामने वाला जा चाहता क्या होगा, क्या ही हो जाएगा, मतलब ये लड़की कमाल है यार। वही ना, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ बट मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। अरे वाह। मतलब मुझे सब बोलते हैं नेचर एक्टिंग तो कर रहे हो अभी आप? एक्टिंग कर रही हूँ, ये मैं नेचुरल ऐसी। अरे वो 100% ऐसी है एल्विश, 100% शी इज नॉट एक्टिंग। नहीं नहीं ये मुझे फॉलो करने वाली। अच्छा मुझे बताओ ना कि अगर मैं आपको ना देखूं तो मेरा कुछ बनेगा या नहीं? देखना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा।
तो मैं सिस्टम के नीचे रहूंगी। हाँ डन। कतर के पासपोर्ट के बारे में तो बताया ही नहीं। कतर का पासपोर्ट नहीं है वो कवर है। मैं दुबई था तो बहुत सारे उसके ना कवर मिल रहे थे, लाल, किसी का हरा था, किसी का कुछ था, तो मुझे लाल अच्छा लग गया। वो कतर का निकला, मैं कहा दे दो, वो लगा के घूम रहा था। उसी दिन पकड़ा मेरे को कस्टम वालों ने। सच्ची? कभी ऐसे हुआ है कि आपको जैसे पकड़ा है तो आप कॉमेडी सी करके निकल गए? कॉमेडी सी करके कौन निकलने देता, वो तो रिश्तेदारी निकल गई मेरी उनसे, इसलिए उनने जान दिया। या फिर किसी से फोन फोना भाई करना बात इनसे, अब इन चीजों से दूर रहते हैं। दूर दूर ही रहना हमेशा, क्योंकि आपको देख के लगता है आप वैसे इनोसेंट लगते हो, बट ऐसे जैसे राव साहब का डेरनान मजाक थोड़ी है। जैसे कहा लगता है ना, तो 4-10-15 आपके साथ चलते हैं, ऐसे लगता है यार फुल ऑन है गलबात मुंडे दी। अगर फंसे तो फोन कर सकते हैं, मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे तो कर सकते हैं, आपको कर सकते हैं। आपके साथ वाले अगर भाग गए तो, अकेले रह गए तो? अकेले बहुत है वो। जोक सुनाओ ना कोई। हैं जोक सुनाऊं? उसको यही नहीं पता, उसको पूछना क्या यार, सी सो रॉ ब्रो, मतलब अलग है यार। शहनाज को देखने का मतलब होता है यार लिविंग समथिंग इन अ बेटर वे। इतना लाइट इंटरव्यू, मतलब कोई प्रेशर सिचुएशन नहीं है, कुछ नहीं, बातें बस बातें कर रही है। ये क्या पॉडकास्ट है? बेचारा रणवीर अलाहाबादिया तो एम ही मत्था मार रहा है। he should learn from Shehnaaz. ओ भाई, जोक तो गंदे गंदे है मेरे। गंदे नहीं, गंदे गंदे नहीं सुना। YouTube पे जाएगा? हम तो YouTube के लायक भी नहीं है वो जोक। अच्छा इतने गंदे इतने गंदे है। एक आधा वैसे एक मैं जोक सुनाता हूँ आपको, बहुत बेसिक सुनाऊंगा, ठीक है? मेरे पापा ने सुनाया था, तब मैं बहुत हंसा था, बट अब मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों हंसा, तो मैं आप पे ट्रांसफर करता हूँ उस जोक को। मेरे पापा ने सुनाया था, वो कहते कि उनके भी फोन पे आया था, कहते कि भाई संता बंता क्लास में बैठे रहते हैं, तो संता के कहता भाई लड़की फंसानी है, कैसे फंसाए हैं? तो बंता कहता भाई एक काम करो, कागज ले। क्या? कागज ले, कागज। हाँ। और उसका ना प्लेन बना और क्लास में उड़ा दे। मैडम पूछे तो लड़की का नाम लगा दे, फंसी लड़की। ताड़ी आपका पापा मारेगा। वाह यार वाह। शहनाज ने किस तरीके से कवर करा ना, बोलना चाह रही थी ताली थोड़ा प्यो मारूंगा। ये था। एक और हो जाए, मेरे को भी बड़े अच्छे आते हैं। आप सुना दो। लेकिन मैं सुना नहीं ना सकती, मेरे भी गंदे वाले ही। अच्छा हाँ, एक दिन किसी यूट्यूबर की लाइफ जीने को मिले, आप किसकी जियोगे? किसकी जियेंगे? मैं जीऊंगा मिस्टर बीस्ट की। ओके बस देखता हूँ मिस्टर बीस्ट। भाई लंबोर्गिनी मेरे को दे दियो। मैंने बोला ना मैं सिर्फ एल्विश देखती, एल्विश के ऊपर मैं कुछ नहीं देखती ना किसी को। एक लंबोर्गिनी मुझे चाहिए और एक घर के ऊपर हाथ रख के मुझे खड़े होना, जो लास्ट में उठाएगा वो घर अपना। फॉलो करती हूँ ना कुछ इंस्टा पे? तो फॉलो नहीं करते आप मेरे को। आप करते हो है? तो आप करते हो ना मुझे फॉलो, तो जो हर जगह देखते हो सिस्टम के नीचे। नहीं मैं फॉलो करती हूँ, बट मैं इतना डीपली ये नहीं कि फॉलो कर लो एल्विश को। बेटा फॉलो बैक भी मांगते हो, सिस्टम के नीचे मेरे भी रहना पड़ेगा। अगर मैं पंजाब से ना, आप हरियाणा से, तो मेरा भी, मैं पंजाब वाली हूँ। अच्छी बात नहीं है? अच्छी होती है पंजाब वाली। आई मीन टू से कि अगर मुझे कोई फॉलो नहीं कर रहा, मैं उसको क्यों फॉलो करूँ? आप फॉलो करके चेक भी तो कर सकते हो कि वो फॉलो। जरूरी नहीं है, एक स्टॉकिंग भी होती है। स्टॉकिंग किसको कहते हैं? फैन तो आप मेरे। आई नो। आप भी बन जाओ ना फिर मेरे। मैं हूँ आपका फैन। है? दिल वाले या फिर ट्रॉफी वाले? दिल वाले। दिल वाले। ठीक है। तो इतना मजा आया आपके झूठ सुन के हमें। हमें झूठ मार के। मैं सच्ची देखती नहीं। ओके तो आपके साथ अभी छेती दे सुन। यार शी सुपर ब्रो, शी सुपर यार। मतलब इस इंटरव्यू में एल्विश तो चलो जैसा अपनी इंटरव्यूज में होता है वैसा ही है, रॉ ही है, बट भाई मतलब मोस्ट रॉ पॉडकास्ट आई हैव एवर सीन यार। राउंड करते हैं, ठीक है? किसके साथ फिल्म करना पसंद करोगे, शाहरुख या सलमान? शाहरुख खान। किसी एक हीरोइन का नाम बताओ जिसके साथ किसिंग सीन करना चाहते हो? चाहता हूँ नहीं, किसी के साथ नहीं।
अ डे विदाउट योर फोन और विदाउट योर कार? विदाउट माय कार. इफ यू कुड ट्रैवल टाइम, व्हाट वुड यू विजिट, पास्ट और फ्यूचर? फ्यूचर. होस्टिंग अ टॉक शो विद योर फेवरेट कॉमेडियन और म्यूजिशियन? फेवरेट कॉमेडियन. गेम भी होती है क्या? ये नया था भाई. टेबल टू को लटा देना, तुम गिर पड़े हो. थ्री टू वन एंड गो. इधर की दरी तो है, ये आगे तो मैं मुंह कहा है. मैं मुंह कहा यार, ये खा लू सर. वो नहीं खा जाओ मैं. लो जी, पता नहीं दोए थे या नहीं इन्होंने. चलो कोई नहीं, हम तो बिना दोए खा जाएंगे. बट बस शो खत्म हो गया. बस हाँ, इतना ही था. कुछ करना है आपको? क्या करूंगा मैं? क्या डूइंग करो? क्या करूं? डूइंग करते हुए कोई बात करो. डूइंग मतलब ये सेब खाते हुए. ओके, डूइंग है. यस, मेरा भी कैच करना. आपका ये चुप रहना, आपका गाना आ चुका है. तो आप अपनी ऑडियंस को आपकी ऑडियंस तो देख ही चुकी है, हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि आपका गाना सुन ले. जो जो ऑडियंस देख रही है भाई, हमारा गाना आ चुका. हम तो दीवाने है, 14 तारीख को रिलीज हो गया था. हम तो दीवाने, जो कि गाया है हमारे बहुत ही खास भाई यासिर देसाई ने, और उसका रिएक्शन भी आ चुका है, आप जाके वो भी देख सकते हैं. और पूरे प्ले डीएमएफ की टीम प्ले दिस म्यूजिक फैक्ट्री जो है हमारी, राघव भाई, अंशुल भाई, कटारिया, कौशल भाई, और भी भाई हैं बहुत सारे भाई, सबको बहुत बहुत थैंक्स. बहुत अच्छा लगा था हम करके इन लोगों के साथ. और जिसने अभी तक गाना नहीं सुना, जाके सुनो, लाइक करो, कमेंट करो, जो दिल करे तुम्हारा करो, पर गाना जरूर सुनना, बहुत मजा आएगा. इनका भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, जो मेरी साइड से लोग आ रहे हैं. थैंक यू. आए 3 मिलियन पक्के शहनाज के. और कुछ? और कुछ? बंद कर दो यार शो अब ना. अब बात करेगी शहनाज. ओ भाई साहब, क्या लड़की है यार ये. बवाल है, बवाल है, लड़की कमाल है. बट यार ऑनेस्टली बड़ा मज़ा आया ये पॉडकास्ट देख के. बहुत लाइट था, अनलाइक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट. मतलब बहुत इंटेंस हो जाते हैं यार, इतना लाइट, मतलब कुछ भी बातें कर रहे हैं यार ये. इसीलिए शायद लोग रिलेट ज़्यादा करते हैं, चाहे वो एल्विश हो चाहे शहनाज हो. एंड आई थिंक इतना लाइट होना चाहिए. तो आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा इंटरव्यू, प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में. बड़ा मज़ा आया मुझे देख के. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. विल सी इन अनदर वीडियो गाइस. जय हिंद, मिलता हूँ बहुत जल्दी. और मज़ा आया यार इंटरव्यू देख के, वो फन.